सो गाइस यहाँ पे हमारा भी किचन का काम चल रहा है। और गाइस मम्मा ने एक न्यू चिमनी भी लगाई है। तो किचन हमारा बन गया है, अभी सेटिंग थोड़ी बाकी है, अभी थोड़ा सा काम रह रहा है। और बर्तन वर्तन अभी मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, बाद में इनमें रखूंगी थोड़ा सा सैनिटाइज वगैरह करके हल्का सा। बाकी तो उन्होंने अच्छे से सैनिटाइज कर दिया था रात को भी, रात को फिनिश हुआ है हमारा काम। और सबसे पहले किचन में बनने जा रहा है हलवा, और साथ साथ में ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ दलिया। दलिया के लिए वेजिटेबल्स काट के रख दिए मैंने, और हलवा बनाऊंगी अभी थोड़ा सा। तो देखिए किचन कितना अच्छा लग रहा है। और ये रही मेरी चिमनी, और ये रहा मेरा किचन, और सोमो साहिबा भी सो रहे हैं अंदर। सोहम उठ गए, गुड मॉर्निंग सोहम। नए किचन में क्या बनाऊंगी पहले? कुछ भी, अभी तो दलिया बना रही हूँ और हलवा बना रही हूँ। हाँ अभी रखूंगी ना बेटा सामान को, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सेट, रात को 11 तो बज गए थे है ना। अभी थोड़ा सा सेटिंग करूंगी, वो अंकल आएंगे एक बार चेक करने, उसके बाद मैं सारा अरेंज कर दूंगी। ठीक है ओके। अरे ऐसे, अरे हाँ ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, देखो मैं इसको सेट कर दूंगी बेटा। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, वो रात को भी हम थक गए थे बहुत ज्यादा। वैसे तो सब दलिया बनाते होंगे, मीठा भी, नमक वाला भी, वेजिटेबल वाला भी। और जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आपको दिखाती हूँ आज मैं। और ये ले लिया है मैंने देसी घी, थोड़ा सा ही है, 2 स्पून के करीब है। और ये लौकी, टमाटर, शिमला मिर्च और जो भी मेरे पास सब्जी थी, आलू, प्याज, ये सब मैंने काट लिया है। और सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें वेजिटेबल्स। वेजिटेबल रोस्ट हो गई है थोड़ी सी, तो अब डाल दीजिए ये पतंजलि का दलिया, अपने हिसाब से डाल लेना। ये मैंने 2 कटोरी के अपने अंदाजे से लगाया, मेरा सामान सारा बिखरा पड़ा है इसीलिए फटाफट से ऐसे कर रही हूँ मैं। अब इसको भी अच्छे से मैं भून लूंगी। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और टेस्टी भी बहुत बनता है। इसमें लहसुन प्याज सब डाल सकते हैं, अभी मेरा सामान सारा बिखरा पड़ा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल सा बना रही हूँ। आप लहसुन प्याज अच्छे से करके बना सकते हैं। हाँ इसमें जिंजर डालूंगी थोड़ा सा ग्रेट करके। बस इसके बाद मैं मसाले डाल दूंगी,
और पानी डाल दूंगी इसके अकॉर्डिंग। 2 कटोरी दलिया डाला है, सब्जी डाली है मैंने, और इसके अकॉर्डिंग पानी डाल दूंगी। बस 3 से 4 बिसल में ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको घी के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, और साथ साथ में रख रही हूँ मैं हलवा बनाने के लिए। तो साथ साथ में मैं हलवा बना लेती हूँ। नया किचन बना है तो हलवा तो बनता है। सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए मैंने, पूरी मैंने ग्रीन चिली भी डाली, इसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसमें पानी भी डाल दिया है, और अब कुकर का ढक्कन को बंद कर दूंगी मैं। तो चलो देखते हैं कैसा बनता है, फिर बताती हूँ आपको मैं। आपने हमारे फ्रेंड्स को ये दिखाया कि तेरी किचन कैसी तैयार? हाँ बता दिया मैंने, बाकी बाद में बताऊंगी जब अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। अब गाइस हमने एक नई चलनी भी लगा ली ऑटोमेटिक। हाँ मैंने बताया, आज छुट्टी और साइबा सुबह सुबह फोन। मैं थोड़े देर फोन जैसी हूँ। ये बन गया हमारा दलिया खिचड़ी, हलवा। वेलकम बैक टू द चैनल सुमन साहिबा। तो आपको पता आज अभी तो बहुत टाइम चल रहा है, और आज फ्राइडे तो हमारी छुट्टी है। और गाइस हम कमरे में बैठे हुए हैं, और साहिबा हलवा कह रही मैंने पहले से खा लिया था। और गाइस इतनी ठंड है ना, आप सोच नहीं सकते, मैं बता भी नहीं सकते इतनी ठंड है। इसे बहुत टेस्टी है। सो गाइस आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारी वीडियो कब आने वाली है। सो गाइस तब तक के लिए बाय, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम स्टे सेफ।